छत्तीसगढ़ के दुर्गू कोंदल के ग्राम हलाल्दी में संचालित गोयल ग्रुप के श्री बजरंग आयरन और माइंस में खदान प्रबंधन द्वारा कोविड-19 को लेकर प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुर्गू कोंदल तहसील में 2 लोह अयस्क खदानें संचालित है, जिनमें से 1 खदान गोयल ग्रुप की है। गोयल ग्रुप की खदान में शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। प्रतिदिन कार्य पर आने वाले कंपनी कर्मचारियों, ठेका कर्मियों, कामगारों तथा परिवहन में लगी गाड़ियों के ड्राइवरों और हेल्परों के शारीरिक तापमान की जांच की जा रही है। सभी को बार बार हाथ धुलने और मास्क पहनने की समझाइश दी जाती है। खदान के अंदर सामाजिक दूरी को बनाए रखने का पूर्ण ध्यान दिया जाता है। खदान के अंदर कई स्थानों पर कोविड-19 से संबंधित जानकारी और बचाव के तरीकों का संदेश लगाया गया है, ताकि इस महामारी के प्रति जागरूकता को और बढ़ाया जा सके। जिला और तहसील प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को पूरे खदान में चस्पा दिया जाता है। खदान प्रबंधक DN मोहंता ने बताया कि खदान के अंदर शासन के निर्देशों का पूर्ण पालन किया जा रहा है और सभी कर्मियों को लगातार कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दुर्गू कोंदल से संवाददाता गेंदलाल मरकाम की रिपोर्ट। सर, ओलावृष्टि में मरवाही जनपद के कितने ग्राम पंचायत प्रभावित हैं? मरवाही जनपद पंचायत के अंतर्गत 5 पंचायत प्रभावित हुआ है, जिसमें खंता, बरवासन, दर्री, मेड़ुका, भस्कुरा है। और कल हमने SDM साहब की उपस्थिति में पन्नी का वितरण किया गया है और अभी तत्कालिक मेड़ुका के लिए पन्नी उन्नी व्यवस्था किया जा रहा है और बाकी सर्वे अभी भी चल रहा है वहाँ पे बाकी पंचायतों में। पन्नी के अलावा और क्या राहत दी जा रही है? पन्नी के अलावा राशन, जिसके यहाँ राशन खत्म हो गया उसको राशन वितरण किया जा रहा है और बाकी अभी और सर्वे किया जा रहे हैं। सचिव लोग, पटवारी भी लगे हुए हैं उसमें। सर्वे में करीब कितना नुकसान पाया गया है, कुछ रिपोर्ट आई क्या ऐसी? जी, उसमें कम से कम 4-5 पंचायतों में 90% क्षति हुई है ओलावृष्टि से। अभी बाकी और सर्वे आने के बाद बताएंगे आपको। अपना परिचय बताइए। आप? मैं राम कुमार माझी, ग्राम पंचायत दर्री से। हमारे यहाँ 90-95% ओलावृष्टि हुआ है, जिसमें कारण हर लोग परेशान हैं। रहने के लिए जगह नहीं है, खाना पीना के लिए पूरा सड़ गया। चावल जो राशन मिला हुआ था वो पूरा गीला हो गया। राजस्व विभाग अभी तक आपको क्या सहयोग दी? राजस्व विभाग से निरीक्षण करने के लिए बोले हैं, निरीक्षण करवाया हूँ मैं। सर, जानकारी लग रही थी कि कल जब ये हो रहा था उसके बाद SDM साहब भी आए, लेकिन पटवारी महोदय नदारद थे, क्या सही है? पटवारी मैडम आज आई थी अभी 10 बजे सुबह। अच्छा, SDM तहसीलदार साहब तो अपने यहाँ कल 3-4 राउंड मारे, इसके बाद भी 11 बजे रात तक रुके हुए थे। अच्छा, पन्नी का वितरण करवाए हैं, रात में ही लेके आए हैं पन्नी। बढ़िया, अपना गाँव पूरा हो गया पन्नी वितरण। जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त ज्यादा हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.